सीएम योगी से मिले भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव ने रहुआ सीएम आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने भी सीएम से मुलाकात की। गाजियाबाद के लोनी के भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर का दावा, वन विभाग की जमीन पर बनी है इलाके की एक कॉलोनी, जमीन पर कब्जा कर लोगों ने बना लिए मकान, इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करने की कही बात। अब्दुल्ला आजम के पास दो पासपोर्ट मामले में आज होगी सुनवाई। 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइन्स थाने में दर्ज कराई थी शिकायत, दो पासपोर्ट रखने के मामले में दर्ज कराया था मुकदमा। आज लखीमपुर खीरी में जुटेंगे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत पहुंचेंगे लखीमपुर खीरी। किसानों की आगे की रणनीति पर होगी चर्चा, तिकुनिया हिंसा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात का भी कार्यक्रम। लखीमपुर खीरी में तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने सरेंडर किया। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत खारिज की थी, अचानक रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने हुआ सरेंडर, भारी पुलिस बल की तैनाती। आज आजम खान से मिलने सीतापुर पहुंचे प्रमोद कृष्णम, कुछ ही देर में जेल जाकर कर सकते हैं मुलाकात, कल सपा के नेताओं से नहीं मिले थे आजम। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को मेदांता अस्पताल भर्ती कराया गया। नृत्य गोपाल दास के शिष्य ने जारी किया वीडियो, कहा गोपाल दास पूरी तरह से स्वस्थ हैं, अफवाहों पर ध्यान ना दें। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना पर 27 अप्रैल को करेंगे बैठक, सभी मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के हालात पर समीक्षा बैठक करेंगे पीएम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण कोरोना की वर्तमान स्थिति पर देंगे प्रेजेंटेशन। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2541 नए मामले दर्ज, 1862 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 30 लोगों की जान गई है, संक्रमितों का आंकड़ा 4,30,60,086। देशभर में कोरोना के एक्टिव केसेस बढ़कर हुए 16,522, अब तक 4,25,21,341 लोग कोरोना से रिकवर, कोरोना से जान गंवाने वालों की तादाद पहुंची 5,22,223। बीते दिनों कोरोना वायरस के लिए 3,02,115 सैंपल टेस्ट किए गए, रविवार तक 83,50,19,817 सैंपल लिए जा चुके हैं। वैक्सीन लगाने वालों की संख्या हो गई 187,71,95,781।